हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर 50 यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम टाटा स्टील लिमिटेड शेयर के ऊपर चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम बेसिस के ऊपर यहाँ पे जो प्राइस एक्शन फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम प्राइस को देखने की कोशिश करने गए और क्या पॉसिबिलिटीज बन रही उसे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो फिलहाल जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है हायर लेवल पे आप देख सकते हो, और रिसेंट टाइम का अगर आप चार्ट हिस्ट्री को आप जाके देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख सकते हो 1980 से लेके 2020 तक यहाँ पे 2 साल के लिए यहाँ पे हमने पर्टिकुलर इस चैनल पैटर्न के अंदर यहाँ पे हमने कंसोलिडेशन किया था। अब तक इस कंसोलिडेशन यहाँ पे हमें पर्टिकुलर ब्रेकआउट सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिला, जो ऊपर की जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी इसका यहाँ पे ब्रेकआउट सिनेरियो देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे काफी अच्छी से यहाँ पे अपसाइड रैली देखने को मिली। लगभग यहाँ से आप देख सकते हो 300 से लेके 400 जो लेवल थी यहाँ से लगभग डायरेक्टली यहाँ पे हमें 1500 के टारगेट यहाँ पे देखने को मिला। वन डायरेक्शनल काफी अच्छे से यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिली लास्ट ईयर के अंदर। लेकिन फिलहाल जो स्ट्रक्चर है आप इसे आप देखोगे जैसे यहाँ पे रैली देखने को मिली अभी इसका यहाँ पे पुल बैक देखने को मिल रहा है, और फिलहाल पर्टिकुलर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है इस लेवल के नियर बाय देखने को मिल रहा है जो कि 1080 के नियर बाय है। काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बिकॉज आप देखोगे लास्ट टाइम इसी लेवल के आसपास यहाँ पे हमने स्विंग का फॉर्मेशन किया था और उसके बाद अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू की थी। रिसेंटली आप देखोगे यहाँ पे हमने बेस फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की थी लेकिन अगेन यहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिला और वापस हम इसी लेवल के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट कर चुकी है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे वीक होते चले जा रहा है। अगर इसका यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है और इस लेवल के नीचे यहाँ पे हम ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाते हैं तो यहाँ पे हमें अगेन यहाँ पे काफी अच्छे से यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकती है। वापस हम इस स्विंग के लेवल के पास जो प्रीवियस टाइम के स्विंग लेवल से जो सपोर्ट लेवल से यहाँ पे एक्ट हो सके आज तक यहाँ पे हमें फॉल देखने को मिल सकता है पर्टिकुलर टाटा स्टील लिमिटेड शेयर में। और साथ ही साथ आप देखोगे जो स्ट्रक्चर है इसे आप ध्यान से देखोगे आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट लेवल है 1080 और यहाँ पे जो स्विंग फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट शोल्डर यहाँ पे हेड का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे राइट शोल्डर का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हिडन शोल्डर पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है जो कि एक बेरिश पैटर्न है। अगर यहाँ पे हमें इस नेक लाइन के नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस हमें यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। लेकिन यहाँ पे हमारा व्यू तभी जाके और हमारा जो एनालिसिस तभी जाके ट्रिगर करेगा जब हम इस सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेक डाउन करके सस्टेन कर जाते हैं और स्मॉलर टाइम फ्रेम में लोअर लोज लोअर हाइस का यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है तभी जाके हम कन्फर्मली कह सकते हैं कि हमें डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है और यहाँ पे हम अग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर इसे यहाँ से रिवर्सल फॉर्मेशन करना है तो यहाँ पे पर्टिकुलर इसी वीक के अंदर और नेक्स्ट जो भी ट्रेडिंग सेशन हो गए यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे बुलिश मोमेंटम के साथ कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे इमीजिएटली यहाँ पे बनाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको सपोर्ट लेके बाउंस करना है तो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखने मिल रही है। इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट करके यहाँ पे ऊपर की तरफ सस्टेन करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे हम प्राइस एक्शन फॉर्मेशन ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाते तभी जाके यहाँ पे हमें एक्सपेक्ट रहेगा कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स देखने को मिल रहा है और जो मोमेंटम हुई थी इसका पुल बैक हो जाने के बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें प्लान करके चलना है पर्टिकुलर इस रेजिस्टेंस को या इस सपोर्ट लाइन को यहाँ पे वॉच करके चलना है। पर्टिकुलर यहाँ पे हम वीकली टाइम फ्रेम बेसिस के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम बेसिस के ऊपर यहाँ पे हम प्लान करना पसंद करेंगे। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पर हमारा व्यू डाउन साइड के लिए बनेगा और यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है वापस हम हायर हाइज हायर लोस का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है तब जाके यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को वॉच करके चलना है। जब तक यहाँ पे हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल जाता अपसाइड में तब तक यहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे हमें रिवर्स फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है बिकॉज वापस हमें यहाँ पे रिजेक्शन होते हुए वापस हम यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम भी कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर यहाँ पे काफी अच्छी मोमेंटम यहाँ पे आपको आफ्टर दिस ब्रेकआउट देखने को मिल सकती है इधर डाउन साइड या अप साइड। तो उसी अकॉर्डिंग आपको प्लान करके चलना है। जो जिन लोगों के पास ऑलरेडी पोजिशन है यहाँ पे उन लोगों के लिए आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे देखना पड़ेगा।